संदीप गर्ग जी पंजाब से इसी क्वेश्चंस को पूछ रहे थे, मगर वो ये जोड़ना चाहते हैं कि एक इतना बड़ा धोखा जो केजरीवाल जी के, से हो गया हमें, उसके बाद में क्या हम उम्मीद कर सकते हैं किसी ईमानदार आंदोलन की, और लोग क्यों किसी आंदोलन पे भरोसा करेंगे? देखिए, ईमानदार आंदोलन तो हिंदुस्तान में बहुत सारे हैं, लेकिन ईमानदार आंदोलन जो पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांसफॉर्म हो गया और उसने इतना बड़ा धोखा कर दिया, वो एक आम आदमी पार्टी है जो कि एक आंदोलन से उभरी हुई पार्टी है। पार्टी बनने के बाद इतना बड़ा धोखा, सत्ता पाने के बाद, और सिर्फ यही नहीं, और तरह तरह के धोखे। इन्होंने बोला था कि भाई हम अपने MLAs की सैलरी आधी लेंगे, बड़े बंगले नहीं लेंगे, बड़ी गाड़ियां नहीं लेंगे, लेकिन सत्ता पाने के बाद MLAs की सैलरी 2.5 गुना बढ़ा दी। देश में सबसे ज्यादा अब MLA की सैलरी दिल्ली में है। बड़े बड़े बंगले ले लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली, और अपने पब्लिसिटी का बजट तो 25 गुना बढ़ा दिया, 20 करोड़ से लेकर 526 करोड़ कर दिया। तो ये एक तरह से आप कह सकती हैं कि पहली बार देखने को मिला है कि जन आंदोलन से जो निकली हुई पार्टी है, जो पॉलिटिकल पार्टी बन गई, उसने इतना बड़ा धोखा कर दिया। और जो अन्ना जी पहले कहते थे कि भाई तुम लोग इस पॉलिटिक्स में मत घुसो क्योंकि ये तो एक कीचड़ है, दलदल है, तुम लोग भी सन जाओगे, वही बात अब सच होती हुई दिख रही है आम आदमी पार्टी के संग। लेकिन ये नहीं है कि हिंदुस्तान में कोई ईमानदार आंदोलन नहीं है, बहुत सारे आंदोलन चल रहे हैं। NCPRI, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, अभी चल रहा है, बहुत अच्छा, बहुत, उसी ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट की पूरी मुहिम चलाई। इसी तरह से ये लैंड एक्विजिशन के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन चला, जिसकी वजह से नया कानून 2013 का आना पड़ा। इसी तरह से रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी के लिए आंदोलन चला, जिसके वजह से रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट आना पड़ा। तो आंदोलन तो देश में पर्यावरण के को ठीक करने के भी आंदोलन चल रहे हैं, हर तरह के आंदोलन देश में चल रहे हैं और ईमानदारी से चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे आंदोलन चल रहे हैं। लेकिन ये आम आदमी पार्टी ने इस पावर पॉलिटिक्स में घुसने के बाद बहुत बड़ा धोखा पूरे आंदोलन को, पूरे देश को दिया है। आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल्स दिए प्रशांत जी, क्योंकि इससे हमें समझ में आता है कि सिविल सोसाइटी का हस्तक्षेप हमेशा जरूरी रहेगा और आंदोलन होते ही रहने चाहिए।